दिल्ली सरकार अपने अधीन आने वाले जिन सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सुविधाओं का दावा लंबे समय से कर रही है, जल्द ही उनकी हकीकत सामने आने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के 5 बड़े अस्पतालों से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इसके लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है। जिन 5 सरकारी अस्पतालों पर हाईकोर्ट का शिकंजा कसा है, उनमें जीबी पंत, दीनदयाल अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल शामिल हैं। स्टेटस रिपोर्ट में इन सभी अस्पतालों को ये बताना होगा कि वहाँ दिल्ली के कितने मरीज इलाज कराने आते हैं और बाहर से आने वाले मरीजों की संख्या कितनी है। साथ ही स्टाफ और संसाधनों का ब्यौरा भी देना होगा। हाईकोर्ट ने एक मेडिकल कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसमें खुद कोर्ट निगरानी करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके अस्पतालों में मरीजों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं या सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। दरअसल हाईकोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों की खस्ता हालत पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में जीबी पंत अस्पताल में पिछले 2 साल से बंद पड़ी एमआरआई मशीन का भी जिक्र है। इस मामले में हाईकोर्ट ने जीबी पंत अस्पताल से 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। अस्पताल को ये बताना होगा कि आखिर इतने लंबे समय से एमआरआई मशीन काम क्यों नहीं कर रही। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अस्पतालों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गरीबों को इलाज नसीब नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अस्पतालों की हालत पहले से सुधरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी रिपोर्ट देनी होगी कि किस अस्पताल में क्या सुधार आया है। पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।